अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। हम लाए हैं आपके लिए 5 राज्यों की विशेष खबरें। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के लिए सितंबर में सारी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। हाईकोर्ट के देश पीजीआई के कामकाज में कोई बाधा ना हो। हरियाणा में चुनावों से पहले विपक्षी राजनीतिक दलों पर चल रहे चाबुक। 8 सितंबर की रोहतक में विजय संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। लुधियाना में शालीजा धामी बनी देश की पहली महिला विंग कमांडर। पंजाब बेअदबी मामले में सीबीआई करना चाहती है दोबारा जांच। अस्थाई रास्ता बनाए जाने के बाद मनी महेश यात्रा फिर शुरू। पुलिस भर्ती में नकल पर शिकंजा कसने के लिए लगेंगे जैमर। मुख्यमंत्री केजरीवाल के चुनावी स्टंट जारी। दिल्ली को फिर दिया एक तोहफा। साइबर क्राइम का शिकार हुए दिल्ली पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर। अब खबरें विस्तार से। पीजीआई सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका पर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अस्पताल के कामकाज में किसी भी तरह की बाधा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस कृष्ण कुमार और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि पीजीआई में के कामकाज को बाधित करने से यूनियन को रोका जाए। राज्य के लोगों को अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों को मोटी घूस नहीं देनी पड़ेगी। सरकार ने लोगों को दलालों से बचाने के लिए पूरे सिस्टम का सेंट्रलाइज करने का फैसला किया है। इसके लिए पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा। मुख्यालय सभी जिलों के आरसी और डीएल बनाने वाले कार्यालयों से जुड़ा रहेगा। इन जिला कार्यालयों से सभी आवेदकों से लिए गए डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मुख्यालय पर सबमिट किए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बाद अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कस गया है। ईडी ने एजेएल को भूखंड आवंटन मामले में हुड्डा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो आयकर विभाग के बेनामी निषेध इकाई ने गुरुग्राम स्थित ब्रिस्टल होटल को अटैच कर दिया है। इसे हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई के चंद्रमोहन की बेनामी संपत्ति बताया जा रहा है। पिछले महीने कुलदीप बिश्नोई के आवासों व फार्म हाउस पर आयकर विभाग के छापे के बाद यह बड़ी कार्रवाई है। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि बूथ से नीचे मतदाताओं की देखभाल की जिम्मेदारी निभा रहे पन्ना प्रमुखों का पहले पंजीकरण होगा और फिर रोहतक में 3 लाख पन्ना प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को लेकर जन जन तक पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनने में लगे भाजपाइयों ने 8 सितंबर को रोहतक में होने वाली विजय संकल्प रैली को लेकर कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर शालीजा धामी फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई है। मंगलवार को उन्होंने इंडियन एयर बेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर का पदभार संभाला। लुधियाना में पली बड़ी धामी स्कूल से ही पायलट बनना चाहती थी। वे 9 साल के बच्चे की माँ भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पहले क्लोजर रिपोर्ट देने वाली सीबीआई इसकी दोबारा जांच करना चाहती है। चौतरफा दबाव के बाद सीबीआई ने मोहाली स्थित सीबीआई कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी ओर पंजाब सरकार ने सीबीआई से जांच वापस करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर हडसर मार्ग पर अस्थायी रास्ता तैयार किए जाने के बाद मंगलवार को मनी महेश यात्रा बहाल हो गई है। सोमवार को चंबा जिले में भारी बारिश के बाद पुल बह जाने से मनी महेश यात्रा निलंबित कर दी गई थी। डीसी चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि एक अस्थायी रास्ते का निर्माण किया गया, जिसके बाद मनी महेश यात्रा पुनः आरंभ हो गई है।
सितंबर महीने में प्रस्तावित सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित होने वाले केंद्रों में केंद्र सरकार की एक कंपनी जैमर लगाएगी। हिमाचल पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखकर इस काम के लिए संपर्क साधा है। 11 अगस्त को प्रदेश के 19 सेंटरों में हुई लिखित परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह तैयारी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दिल्ली वासियों को फिर एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने पानी के पुराने बिल माफ कर दिए हैं। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब हम लोगों ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी तो पानी का बुरा हाल था। पिछले 5 साल में हमने कई सुधार किए हैं। साइबर अपराध का आम तो आम BIP भी लगातार इसके शिकार होते जा रहे हैं। ताजा मामले में साइबर ठगों ने दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त अतुल कटियार को चपत लगा दी। ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड से 2 बार में 28,150 रुपए उड़ा दिए। घटना के एक दिन पहले कटियार के मोबाइल पर एक लिंक वाला मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि कार्ड का क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए भेजे गए लिंक पर अपनी जानकारी अपडेट करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।